सो हाई डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में। यहाँ पे जो आपका यूजी का एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, तो ये कब से लेके कब तक चलेगा, कितना फीस है, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, इन सब बातों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर सकूँ। सो यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद क्विक लिंक्स पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे यूजी का दिखाई देगा, नीचे पीजी का है और उससे नीचे पीएचडी का है। तो अपने को यूजी वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नोटिस जो है वो दिखाई देगा, तो इस नोटिस को हम लोग पहले रीड करते हैं। इस नोटिस के हिसाब से जो है 29 जून को जो है आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, और जो है कब एंड होंगे ये डेट अभी अपने को नहीं दिया गया है। सो आप लोग जो है रजिस्टर कर सकते हैं, एंड डेट जब आएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या कैसा भी करके और इन्फॉर्म कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जब सीयूईटी का स्कोर कार्ड डिक्लेयर हो जाएगा तो ये लोग एक बार फिर से अपनी विंडो को ओपन करेंगे, उस समय भी आप कर सकते हो। क्लियर। आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में, जो कि नॉन रिफंडेबल है, मतलब अगर आपने एक बार पे कर दिया तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। UR OBC और EWS के लिए 800 रुपये है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है, और ये लोग धीरे धीरे करके आपको ऐसा ही लूटने वाले हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ हर एक यूनिवर्सिटी की। अभी तो एक का स्टार्ट हुआ है, अभी आपको JNU का करना है, BHU का करना है, जामिया करना है। हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है एक जो है यहाँ पर कि यार इसमें नहीं हुआ तो दूसरी में हो जाएगा, तो तीसरी में हो जाएगा, तो वो अप्लाई करता रहता है और वो फ़ीस रिफ़ंड होती नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर SC ST की बात करें तो 400 रुपये, 400, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है मेरे लिए। जो मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फीस होती है। हर एक स्टूडेंट नहीं पे कर पाता है, हो सकता है आप पे कर दो लेकिन आपके साथ वाला पे कर सकता है, ये इस पर कोई श्योरिटी नहीं दी जा सकती है, समझ रहे हो। वहीं अगर PWD की बात करें तो 200 रुपये यहाँ पर चार्ज रखा गया है, तो ये आपको देना है। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो इनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप इनको कॉल कर सकते हैं। मेल आईडी दिया गया है इनका, इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप एक नए इंटरफेस पे जो है आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का है और एक लॉगिन का है। तो लॉगिन तो आप पहले कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, तो आप यहाँ से क्लिक करके जो है रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और ये सिक्योरिटी कैप्चा देना है। देखिए आप बिल्कुल सही फिल करिएगा तो ये जो डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आप गलत फिल करेंगे तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि ये जो डेटा सारा का सारा लेते हैं ये जो है आपका NTA से लेते हैं। ये समर्थ ई गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल होंगे, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु का हो, और भी जो है साउथ बिहार है, ठीक है, हरियाणा है, पंजाब है, सबका पोर्टल आपको सेम देखने को मिलने वाला है, और ये एक ही जो है सिस्टम से क्रिएट किया जाता है, तो उनके पास जो डेटा है वो NTA भेजते हैं। तो अगर आप यहाँ गलत डालेंगे, देखिए जैसे मैंने ये कुछ भी इसमें डाल दिया तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये सीधा सीधा बोल देगा मेरे को कि जो है आप जो डेटा दे रहे हो वो बिल्कुल गलत डेटा है और ये डेटा हमारे पास नहीं है। तो आप अपना सही जो यहाँ पर CUET का नंबर है वो दीजिए। ये मैंने दिया, उसके बाद मैंने एंटर किया तो देखिए ये बता दिया ना कि रिकॉर्ड नोट फाउंड, प्लीज़ चेक के CUET एप्लीकेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये जो है आपने यहाँ पर सही फिल करना है तभी ये एक्सेप्ट करने वाला है। तो आप जो है इसके लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं, जितना प्रोसेस इसका है एटलीस्ट आप वो उतना कर लीजिएगा, बाकी आगे जो भी प्रोसेस रहेगा मैं आपको वीडियो के थ्रू और बता दूंगा। अभी आपका स्कोर कार्ड वगैरह आने दीजिए, तब और हम लोग बात कर लेंगे, इस यूनिवर्सिटी का और वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आपको सारी डिटेल वीडियोज़ के थ्रू बताता रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूँगा, वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया अगेन।